तो हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने पार्टी को अलविदा कह दिया है, जिसके बाद उनके सिरसा निवास पर लगे कांग्रेस के बैनर और झंडे भी उतार दिए गए हैं। तो वहीं तंवर के समर्थकों ने कांग्रेस की पार्टी आलाकमान पर अनदेखी का आरोप लगाया, तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो हमेशा तंवर के साथ हैं। तो जिस बैनर पर अशोक तंवर दिखाई देते थे और कांग्रेस पार्टी का एक जो राह देखने को मिलता था, वो अब अशोक तंवर के घर से उतार दिए गए हैं। और ये उस दौरान की तस्वीरें जब ये बैनर हटाए जा रहे थे। तो आपको बता दें कि अशोक तंवर पार्टी को अलविदा कह चुके हैं, आलाकमान पर कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं, तो अनदेखी का आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं अशोक तंवर के आवास की, जहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस के जो बैनर हैं वो हटा दिए गए हैं। तो अब मनाने की भी कहीं ना कहीं गुंजाइश यहाँ पर नहीं रही है, क्योंकि ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि उनको मनाया जा सकता है पार्टी की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पार्टी में वापसी कराने का जो संकेत था वो पहले ही पार्टी की तरफ से शायद साफ हो गया था, क्योंकि उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, आलाकमान के घर के बाहर भी उन्होंने प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी को जाहिर किया, लेकिन उसके बाद भी पार्टी ने उनकी नाराजगी को तवज्जो नहीं दी। पार्टी से ऑर्डर नहीं है, अशोक तंवर जी का आदेश आए हैं कि निवास से जो है फोटो लगी हुई है कांग्रेस पार्टी की या जो बैनर लगा हुआ है वो हटा दिया जाए। जो कांग्रेस पार्टी ने अशोक तंवर के लिए किया है वो कार्यकर्ता कभी नहीं भूलेंगे। पिछले 6.5 साल से सड़कों पर उतरे हैं अशोक तंवर जी, आम आदमी की लड़ाई लड़ी है उन्होंने, लेकिन जो टिकटों का वितरण हुआ है सही ढंग से नहीं हुआ, जिनको टिकट मिलनी चाहिए उनको नहीं मिली, उस बात से रुष्ट हो गए। डॉक्टर अशोक तंवर ने आज अपने प्राथमिक सदस्य जो है कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। जो अशोक तंवर ने 25 सालों से मेहनत की है, जैसे बच्चों की तरह पालन पोषण करते हैं, वैसे कांग्रेस को हरियाणा में पालन पोषण किया है, सिंचाई किया है और बहुत सारी मेहनत की है, साइकिल यात्रा की है, पैदल यात्रा की है। राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी ने कोई अहमियत नहीं दी डॉक्टर अशोक तंवर को, और टिकटों में भी मतलब उसके साथ अव्यवहार किया गया, अमानित किया गया। तो कांग्रेस पार्टी के झंडे और बैनर उतार दिए गए हैं अशोक तंवर के आवास से, जो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। तो सिरसा स्थित आवास से बैनर हटाते हुए ये तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से उन्होंने पार्टी से अलविदा कहा है और जो आलाकमान पर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उनकी नाराजगी को तवज्जो नहीं दी गई, अनदेखा जो है यहाँ पर किया गया है, और साथ ही न सिर्फ अशोक तंवर ने बल्कि उनके जो समर्थक कार्यकर्ता पार्टी में अब तक काम कर रहे थे उन्होंने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है, और अब नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि अपने आवास से कांग्रेस के जो बैनर लगे हुए थे, जिसका अब तक वो गुणगान करते नजर आ रहे थे, उन बैनरों को, उस झंडे को उतार दिया गया। तो हाथ का साथ अशोक तंवर ने छोड़ दिया।